चल रहे हैं। ठीक है गाइस, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पे हैं। कहाँ पे हैं? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। वो भी कर लेते हैं, क्या करें, स्टार्ट कराता हूँ। ध्यान से पढ़ाई करो, कंसंट्रेशन के साथ, है ना, तभी समझ में आएगा। ओके चल स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग, यस रिकॉर्डिंग ऑन। म्यूट नहीं कर पाते हो, अभी कर पाओगे? ओके गुड। ईशान देखो भाई, मैं बात करूं अगर मेथड्स की, दो मेथड थे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड था और कौन सा था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो पहले मैंने स्टार्ट किया था वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये जो मेथड है ये मैंने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। अब इसके अंदर एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम सबके अंदर हमने बताया था बैलेंसिंग होती है और न्यूट्रल, ये तीन मीडियम है। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस करना मैंने सिखाया था, आई होप तुम लोगों ने जो है घर पे ट्राई भी किया होगा, किया था ट्राई सबने। एक एग्जांपल लेते हैं उसका, और ये वाला एग्जाम्पल लिया है क्या? देखो ईशान नोट्स में देखो, हाँ सर, देख रहा हूँ, देख रहा ये डन हो गया क्या? नोट्स हूँ। हाँ सर, दिया था। हाँ में देखो एक बार, सर, वही चेक कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री के नोट्स ऐसे बनाने हैं ना, जैसे फिजिकल का अगर चल रहा है ना वो एक साथ चलना चाहिए, यस सर। का है वो अलग होना चाहिए, ठीक है, तभी सही रहेगा। ये गिवन है, प्रणव बोल रहा है, ये हो गया कंटिन्यू। वेरी गुड। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये डाइक्रोमेट आयन है, इसके अंदर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना भी सिखाया है, और पानी के अंदर जब पड़े होते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन के लिए ए क्यू वर्ड यूज करते हैं, अब ए क्यू लिख देते हैं सिर्फ। और इधर Cr3+ बनता है आफ्टर द रिएक्शन, साथ में सल्फेट आयन बनता है। ये रिएक्शन ब्रैकेट में लिखा है एसिडिक मीडियम में हो रही है, किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो बताओ कैसे बैलेंस करेंगे गाइस, यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है। बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इसमें क्रोमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस? तो हम क्या देखते हैं, क्रोमियम का जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो क्रोमियम +6 में आता ना, और सल्फर जो है यहाँ पे +4 में आ जाएगा, क्रोमियम +3 में है एंड सल्फर +6 में है, दैट मीन क्रोमियम रिड्यूस। क्रोमियम खुद रिड्यूस हो रहा है। तो क्रोमियम कैसा एजेंट बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसी तरीके से सल्फाइट आयन जो है इसका सल्फर +4 से +6 में जा रहा है,
तो सल्फाइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. और क्रोमेट जो आयन है इसका नाम जो है वो क्या है? डाइक्रोमेट आयन. इस आयन का नाम क्या होता है? डाइक्रोमेट आयन. इसका नाम होता है सल्फाइड. ये तो क्रोमियम प्लस थ्री है, इसका नाम होता है सल्फेट. इसका रिडक्शन हो रहा है. पहला स्टेप क्या होता था? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को ढूंढ के लिख लेना. ये मैंने रिएक्शन को लिखा. बताओ जो मैंने ये ऊपर रिएक्शन लिखी है ये रिडक्शन वाली है या ऑक्सीडेशन वाली? फर्स्ट वन रिडक्शन. यस, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन. यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन. नीचे वाली को बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ. क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन हाफ. इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ. ये ढूंढ लिया तुमने. नेक्स्ट क्या होता है? हमने एक इक्वेशन उठानी है ऊपर वाली, ये वाली, और इसके अंदर क्रोमियम के एटम्स को भी बैलेंस करना है एंड उसके बाद में हम लोग को ऑक्सीजन भी बैलेंस करने हैं. ये सारे के सारे रूल्स हमने पिछली क्लास में कराए थे, तो याद है? एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करते हैं ये भी सिखा दिया था. सबसे पहले हम लोग रिडक्शन हाफ को अगर उठाएं तो देखो Cr2O7 टू माइनस, एक तरफ कितने सी आर? दो. इधर सिर्फ एक सी आर, दो से मल्टीप्लाई किया. अब क्रोमियम तो बैलेंस हो गए लेकिन अभी भी यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं है? बोलो गाइस, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. ऑक्सीजन इधर सेवन है और एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका सिखाया गया है. इस तरफ H2O ऐड करेंगे, उसके डबल H+ यहाँ पे ऐड कर दो इजिली. अभी ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, बट चार्ज बैलेंस नहीं है. तो बताओ एसिडिक मीडियम हो या कोई भी मीडियम हो, चार्ज बैलेंस किससे करते हैं हमेशा? बोलो किससे चार्ज बैलेंस करते हो एन इलेक्ट्रॉन मेथड में? इलेक्ट्रॉन से, है ना? इलेक्ट्रॉन किधर कितने हैं बताओ? सर लेफ्ट हैंड साइड पे 6 इलेक्ट्रॉन और लगेंगे. ओके, तो ये तुमने इसमें देख लिया कि जो ये डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन है ये सेम लास्ट क्लास वाली है, इसलिए तुम लोग बहुत आसानी के साथ कर सकते हो क्योंकि लास्ट क्लास में ही तुम लोग ने करके दिखा दिया था. यस और नो? तो यहाँ पे भी कर पाओगे. कितना आंसर आया बताओ? यहाँ अगर मैं देखूं चार्ज कितना है, +6. यहाँ पे चार्ज जो है वो कितना है? 14 प्लस का और 2 माइनस का. यहाँ पे कितना बनेगा? प्लस का 12. ये बैलेंस नहीं है चार्ज, इसलिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ये इक्वेशन नंबर 1 बनी है. ये कब बनी? जब मैंने रिडक्शन हाफ को बैलेंस किया. ऑक्सीडेशन हाफ को उठाओ, ये रिडक्शन वाली को उठा के बैलेंस करा. ऑक्सीडेशन वाली को उठाते हैं, 2 माइनस है ये. यहाँ पे भी SO4 पे कितने माइनस है? 2 माइनस. अब मुझे एक चीज बताना, दोनों तरफ सल्फर तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है. राइट साइड में एक ऑक्सीजन ज्यादा है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? H2O ऐड करने पड़ेंगे. कितने H2O ऐड करने पड़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक H2O ऐड करना होगा. जैसे ही मैंने यहाँ पे एक H2O ऐड किया, वैसे ही मुझे क्या पता चला कि इस तरफ 2 H+ भी ऐड करने होंगे. अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड में बैलेंस हो चुका है, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या अभी चार्ज बैलेंस हुआ है क्या? इलेक्ट्रॉन का यूज करके हमें क्या बैलेंस करना पड़ेगा? चार्ज बैलेंस. यहाँ पे कितना चार्ज है? -2. यहाँ पे कितना चार्ज है? 0. -2 + 2 कितना हो गया? 0. कितने को दिख रहा है -2 + 2? 2 × +1 कितना आएगा? +2. -2 और +2 कितना होता है? 0. तो अगर इधर 0 है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड करने पड़ेंगे. यहाँ तक समझा सबको? यस सर. अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? हमें इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करना है. यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे कैंसिल होंगे ये? हमें इक्वेशन नंबर 2 में कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से. लिखेंगे नाउ बैलेंस, या नाउ एड, पहले लिख लें नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन बोथ इक्वेशन
बाई, या ऐसे लिख लो कैंसिल लिख लो, ओवरऑल तो कैंसिल होंगे ना, इन बोथ इक्वेशन बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय थ्री एंड एड इट एंड एड इट इनटू इक्वेशन वन. मतलब सिंपल है, लास्ट क्लास से तो यही पढ़ा रहा हूँ. इसमें अगर तीन से मल्टीप्लाई करोगे गाइस तो देखो क्या बनेगा फाइनली. ऊपर वाली रिएक्शन को मैं वैसे ही उतार लेता हूँ क्योंकि ऑक्सीडेशन वाली में तो हमने कोई भी मल्टीप्लीकेशन किया नहीं है. तो Cr प्लस थ्री लिखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज बता देता है, थ्री प्लस लिखते हैं देन इट्स ऑल्सो ओके. तीन से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एच टू ओ, थ्री एसओ थ्री टू माइनस, थ्री एसओ फोर टू माइनस, सिक्स एच प्लस, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स. कितने लोग को यहां तक समझ में आ चुका है बोलो? एनी डाउट स्टिल हियर? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? दोनों अगर ऐड करी जाए तो छह इलेक्ट्रॉन से छह इलेक्ट्रॉन कटेंगे. यहाँ पे जितना सामान आ रहा है सबको उतारो. तो मैं देखो डाइक्रोमेट आयंस बहुत स्पेशल आयंस हैं जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहे हैं, इनको पहले लिखना चाहिए, अच्छा रहता है. H2O, H+ वगैरह को बाद में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है. इसी तरीके से यहाँ पे भी क्रोमियम को पहले लिख लो तो अच्छा है, और H2O, H+ किसी से कैसे भी बाद में आगे पीछे करके लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम. नाउ देखो इधर तीन H2O हैं, इधर सेवन, तो इनको सिंपल मैथमेटिक्स से उधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएंगे. यस और नो? मिताली समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे हो रहा है? और ये यस इधर आएंगे क्योंकि इधर 14 H+ है, इधर 6 H+, 14 में से 6 गया 8, 8 H+ यहाँ पे आ जाएंगे. मैं इसको इधर ले जाऊंगा 2Cr 3+ प्लस प्लस 3 सल्फेट माइनस gives 4H2O. अब हम इस पूरी रिएक्शन को एक साथ देखेंगे. मतलब ये है कि एक टाइप के आयन दोनों तरफ नहीं होने चाहिए, ये कहने का मतलब है. अगर इधर H+ है इधर भी H+ तो घटा लो उसको, उसको सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना, एक ही तरफ ले आओ जिस तरफ बची रिमेनिंग जिधर रहे उधर. नाउ अगर मैं ओवरऑल चीजों को कंपेयर करूं एक बार, ये हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन आ रही है. अच्छा कैसे पता चलेगा ईशान की एसिडिक मीडियम में है? हाउ कैन वी टेल बाय सीइंग इट? कैसे बताएंगे? क्योंकि एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में H+ आयंस हैं. देखो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं सबको? यस yes. तो भाई इधर क्रोमियम कितने हैं? मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, तुम लोग पहले बताओ ऑल बैलेंस और नॉट, जल्दी से देख के. दो क्रोमियम. ऑक्सीजन कितने हैं इधर? सेवन थ्री थ्री जा नाइन और सेवन सिक्सटीन ऑक्सीजन एटम्स, सिक्सटीन ऑक्सीजन एटम्स. इधर जो हाइड्रोजन है वो आठ हाइड्रोजन है, सल्फर जो है वो छोड़ दिया मैंने, वो तीन है, थ्री सल्फर एटम्स. और चार्ज जो है वो माइनस टू, थ्री टू जा माइनस सिक्स, और माइनस टू कितना होता माइनस एट, और प्लस एट जीरो चार्ज आया इधर. कितना आया चार्ज, कितना आया गाइस ओवरऑल? इधर देखो दो क्रोमियम है, ऑक्सीजन देखना, थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन ऑक्सीजन एटम्स, फोर टू जा एट हाइड्रोजन एटम्स, थ्री सल्फर. चार्ज देखना टू थ्री जा सिक्स प्लस का, थ्री टू जा माइनस सिक्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कोई दिक्कत हुई बताओ? क्या रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो गई? क्या तुमने रूल को फॉलो किया सिर्फ, और तो कुछ किया नहीं? यस और नो? यस. आगे बढ़ाऊं? यस सर. ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट्स को समझना है. देखो रिएक्शन बैलेंस करने के बहुत तरीके हो सकते हैं,
सबका मतलब एक ही होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, है ना। बहुत बुक्स में तुम्हें दिया जाएगा पहले उन्होंने चार्ज बैलेंस किया, बाद में इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए, या पहले उन्होंने ऑक्सीजन बैलेंस किया बाद में चार्ज बैलेंस किया। दैट ऑल आर सेम, तुमको ज्यादा दिन लगेगा उसको समझने में, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि किसी एक मेथड को फॉलो करना। जैसे मैंने यहाँ पे जो मेथड बताया तुमको, यही मेथड फॉलो करना है और हमेशा तुम्हारा आंसर आएगा, नॉट एन इश्यू। ओके, अच्छा, अगर मैं बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ बेसिक मीडियम में, तो देखना थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाएगा। और बेसिक मीडियम में बैलेंस करना सिखाता हूं, बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन बेसिक मीडियम। गाइस समझना ध्यान से, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि जो हमारा बेसिक मीडियम है उसके अंदर हमें OH माइनस आयंस आने चाहिए। बेसिक मीडियम का मतलब क्या होता है, उसमें बेस है, बेस का मतलब कौन से आयंस हैं, OH माइनस आयंस। और पानी तो मान लो है ही, वाटर तो है ही, क्योंकि सॉल्वेंट वाटर होता है हर जगह, जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उसमें पानी के अंदर ही तो बना रहे हैं उनको। तो हमें क्या करना है, सारे स्टेप्स वही रखने हैं, बट जब हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे स्टार्टिंग के जो स्टेप वही है, सबसे पहला जो है वो क्या है, राइट दी टू हाफ रिएक्शंस। कौन कौन सी बोलो बच्चों, कौन कौन सी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये लिखनी है पहले। फिर उसके बाद करना क्या है, बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस। हाफ रिएक्शंस की बैलेंसिंग करनी है। सबसे पहले किसको बैलेंस करते थे बताओ गाइस, सेंट्रल एटम जितने भी हैं उनको बैलेंस करो, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन सबको बैलेंस करो, ऑल द एटम्स। उसके बाद में हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम्स को। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना, हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ H2O ही करना है। मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ चीजों को आसान बनाने के लिए, हम लोग सिर्फ H2O से एडिशन करवा रहे हैं। उसके बाद जो है हम H+ जो ऐड करेंगे उनको OH- में कन्वर्ट करेंगे। देन क्या करना है हमारे पास, क्योंकि अगर मैं दोनों मेथड अलग अलग बताऊंगा तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुमको समझना, इसलिए मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ कि एडिशन ऑफ H2O करो। यहाँ पे क्या करो, एडिशन ऑफ H2O करो। देन बैलेंस एच एटम बाई एडिशन ऑफ H+, जैसे उसमें किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। एक एक्स्ट्रा स्टेप है, ये एक्स्ट्रा स्टेप जो है वो बेसिक मीडियम में करना पड़ता है हमको। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितना भी हमारे पास H+ आया है उसको हम OH- से कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बिकॉज बेसिक मीडियम है तो हमें H+ दिखना नहीं चाहिए, है ना। टू कन्वर्ट H+ आयंस इनटू H2O बिकॉज रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, यूज डिजायर्ड अमाउंट ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ OH- आयन इन बोथ साइड। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा याद करके रखोगे ना तो ये तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तो सेम था। उसके बाद में फिर वही है, नाउ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूजिंग, सॉरी बैलेंस चार्ज यूजिंग व्हाट, किससे बैलेंस करते हो चार्ज को, इलेक्ट्रॉन। नाउ एड रिएक्शंस, एड बोथ हाफ रिएक्शंस टू गेट फाइनल बैलेंस रिएक्शन। अब तुम लोग बताओ कहां पे चेंज किया हमने, कौन बताएगा किधर चेंज किया है, सिर्फ यहां पे चेंज हुआ है एक। देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे,
ये वाला स्टेप तुमने पहले भी किया है, ऑक्सीजन बैलेंस भी किया है, हाइड्रोजन बैलेंस किया है, क्योंकि हमारी रिएक्शन किस मीडियम में है गाइस, बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में H प्लस नहीं होता सॉल्यूशन में, तो हमें उसको OH माइनस में कन्वर्ट करने के लिए दोनों साइड OH माइनस ऐड करके H प्लस को वाटर में कन्वर्ट करना होगा। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा वाला एग्जांपल लेने जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। सर हाँ वो जो एक्स्ट्रा स्टेप लिखा है ना आपने, उसमें यूज के बाद क्या लिखा? डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब जितने जरूरत है ना, डिजायर्ड ओके सर, अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इन बोथ साइड एस्टर में। ध्यान से सुनो, और थोड़ा भी दिक्कत है तो बोलो मुझे। तो ये अगर इस तरीके से तुम लोग कर लेते तो मैं यही सिखाऊंगा, ये अच्छा तरीका है, इसे ज्यादातर बच्चे समझ जाते हैं। फिर और भी मेथड्स हैं, आगे कभी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो फिर से सिखा दूंगा दूसरा मेथड आयन इलेक्ट्रॉन में, और क्या स्टेप हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो पहली बार सीख रहे हो तो एक ही सीखना चाहिए फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे ना कभी ये रिएक्शंस आएंगे तो फिर दूसरा भी तरीका बता दूंगा कि और एक क्या मेथड हो सकता है। ओके आगे बढ़ूं, एग्जाम्पल लूं, पहले तो सब लोग नोट कर लें भाई। सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर दीजिए। ऊपर कर दूं क्या? यस सर। अच्छा तुम लोग दिख नहीं पाए, एक बार केवल मैच करो बस, जो मैंने पहले पढ़ाया था लास्ट क्लास में उससे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप करवाया है। यहां से मैं पूरा बदल सकता था इसको, H2O और OH माइनस वाला तरीका दूसरा आ जाता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए क्योंकि दो अलग अलग तरीके हो जाएंगे, फिर हल्का सा डिस्टर्ब हो जाओगे। बाकी है वो ज्यादा छोटा मैथड है, बट दैट्स नॉट गुड एक्चुअली फॉर यू, तो इसलिए मैंने ये बताया तरीका। ओके गाइस सर आप डन सर। एक्स्ट्रा स्टेप को बताएंगे ना अभी? क्या एक्स्ट्रा स्टेप का एग्जांपल बताएंगे ना? हाँ यस यस यस, मतलब एक्स्ट्रा स्टेप का मतलब बेसिक मीडियम में कराया ही कहाँ एग्जांपल अभी तक ना, बेसिक मीडियम का एग्जांपल करोगे अपने आप एक्स्ट्रा स्टेप आएगा ईशान। यस यस हाँ, बैलेंस रिएक्शन इन बेसिक मीडियम, ऐसे नहीं लिखा होगा ना, अगर ये जो बेसिक मीडियम लिखना है ना ये एग्जामिनर की चॉइस पे डिपेंड करता है वो लिखे या ना लिखे, लेकिन अगर वो नहीं लिखेगा इस वर्ड को तब तो उसको इस एरो के ऊपर OH माइनस लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर उसने बेसिक मीडियम लिखा है तो वो कहीं पे भी OH माइनस लिखेगा नहीं। यस और नो? यस सर, हाँ अभी बैलेंस करके दिखाइए आप लोग स्टेप्स का यूज करके, या तो बताओ एक मैं बता दूं, नेक्स्ट तुम लोग करोगे कैसे करना हो। चल थोड़ी हिंट देता हूं मैं स्टार्टिंग की, बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। बेसिक मीडियम लिखने का मतलब क्या है, OH माइनस इसके अंदर है, मतलब OH माइनस की प्रेजेंस में हो रहा है, तो एरो पे लिखना है, यहाँ पे इनको यूज नहीं करना है, ये तो अपने आप बैलेंस करने के बाद आ जाता है OH माइनस, इसलिए OH माइनस को रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में स्टार्टिंग में नहीं लिखना है। अगर एग्जामिनर ने लिख के दिया है तो उसको इग्नोर करना है, बोला था पहले ही कि नहीं बोला था? यस और नो? यस इग्नोर एच प्लस OH माइनस H2 विच आर गिवेन ऑलरेडी, विच आर गिवेन ऑलरेडी इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, यस और नो? बहुत आसान है, वेरी आसान, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक है ये, अगर इसको कोई अपने मन से करता है ना थोड़ा सा मेसी हो जाता है। अब देखें भाई, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, यहाँ -1 है, तो
यहाँ प्लस फोर, यहाँ पे कितना है जल्दी बताओ, प्लस फाइव। कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये हो रहा है रिडक्शन। गाइस ध्यान से देखना, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, आप कोई भी लिख लो। चलो इस बार मान लो हमने लिखी पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो वो हमारी आई बी आर माइनस गिव्स बी आर ओ थ्री माइनस, फिर हमने लिखी रिडक्शन हाफ। अब बोलो तो यहीं पे बैलेंस करके दिखा सकते थे, तुम बोलते तो बाद में बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। चलो मैंने तो एक बार केवल दिखाने के लिए यहाँ लिख दिया। अब हम अप्लाई करेंगे बैलेंसिंग वाला फंडा। सबसे पहले हम उठाते हैं ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस करने के लिए। आप बोलो, यस रिडक्शन लेते हैं। नहीं ऐसा जरूरी नहीं ना, हम किसको पहले लें, नहीं ले सकते, ये बोल रहा हूँ, इसलिए तो मैंने ऑक्सीडेशन हाफ ले लिया ना पहले। किसी को भी पहले ले लो, दोनों को बैलेंस करना है अलग अलग लेके, है ना। हाफ रिएक्शन एक कोई ले लो, फिर उसके बाद दूसरी ले लो। मैंने इस बार उठाया ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ हमारी कौन सी है बोलो भैया? ब्रोमीन वाला। ओके, दोनों तरफ ब्रोमीन के एटम्स बराबर, कोई बात नहीं। रिएक्शन में ब्रोमीन के जो मास है वो बैलेंस होंगे, है ना। जब एटम बराबर है तो मास भी ब्रोमीन का बराबर होगा, लेकिन ऑक्सीजन तो बराबर नहीं है, तो ऑक्सीजन बराबर करने के लिए क्या करोगे बोलो? H2O ऐड करें। हाँ, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि अभी आराम से हो जाए और तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे। अब सुनो ध्यान से सुनो, इधर कितने H2O ऐड करें भाई? सिंपल है, जो वहां पे किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। इधर तीन ऑक्सीजन है तो इधर तीन H2O ऐड कर दो, अगर यहाँ पे सिक्स हाइड्रोजन है तो यहाँ सिक्स H प्लस ऐड कर दो। बताओ ये रिएक्शन क्या एसिडिक मीडियम में है? यस सर। नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है सर? वो बेसिक मीडियम दिया हुआ है। तो अब एक्स्ट्रा स्टेप आने वाला है, कौन सा वाला स्टेप आने वाला है? हाइड्रोक्साइड का। हाँ, एक्स्ट्रा स्टेप क्या बोलता है? एड OH माइनस, वो दोनों साइड में बराबर बराबर जितनी रिक्वायरमेंट है। बताओ 6H है तो कितने OH ऐड करने पानी बन जाए? 6। तो इधर भी तो ना इंसाफी नहीं कर सकते ना, बराबर बराबर ऐड करेंगे दोनों तरफ। ये एक मिनट मेरा रुक गया है, अपने आप बंद भी हो गया है, खुलने दो। हाँ देखो देखो देखो, इस बार क्या करेंगे, दोनों तरफ बराबर बराबर ऐड करेंगे, इधर भी और इधर भी। अब बोलो क्या हुआ, क्या हुआ बोलो, क्या ये पानी बना? यस और नो? ये बात कितने लोगों को समझ में आई? बैलेंस कर चुके थे, अब सिर्फ H प्लस को हटाना है। देखो H प्लस क्योंकि एसिडिक मीडियम में नहीं है, इसलिए ये तो ऐसे ही आएगा। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से, ये भी ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएंगे 6H2O। यहां तक समझा? बोलो यस और नो। H प्लस को हटाने के लिए दोनों तरफ क्या किया, OH माइनस को डाला। OH माइनस को डालने से एक तरफ तो पानी बना, एक तरफ OH माइनस। अब रिएक्शन बेसिक मीडियम में दिख रही है, यस और नो? यस। हाँ, अब ये तीन H2O क्या उधर जा करके घट सकते हैं उससे? बिल्कुल सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उनको उधर ले जाओ। ये तो हम मैथमेटिक्स से कभी भी कर सकते हैं। अब देखो क्या ये रिएक्शन दिख रही है आराम से तुमको, समझदारी के साथ? Yes, sir. अच्छा मैं तुमको एक ट्रिक बताऊं अगर, तो उसको ध्यान से सुनना। जो मेथड मैंने सिखाया है उस मेथड को तो तुमने समझ ही लिया है, लेकिन अगर ये बताओ एक और मैं उसका अल्टरनेटिव मेथड बताऊं तो उसको ध्यान से सुनना। मेरी रिएक्शन तो इतनी थी ना, सिर्फ यहां से लेके यहां तक, यहीं से यहां तक थी कि नहीं थी? Yes, sir. मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, बेसिक मीडियम में अल्टरनेट मेथड क्या है, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उधर उतने ही H2O ऐड करो, उसके डबल OH माइनस दूसरी तरफ ऐड करो, बैलेंस हो जाएगा। यस और नो? अल्टरनेट तरीका क्या है, अल्टरनेट मेथड? ये तो मेथड पहला सिखा दिया,
एक ही साथ बता दे रहा हूँ, टू बैलेंस ओ एच माइनस, सॉरी टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स इन बेसिक मीडियम। ध्यान से सुनना एकदम, क्या मेथड है, डिसाइड विच इज रिच इन ऑक्सीजन एटम, रिच इन ऑक्सीजन एटम, एड द सेम नंबर ऑफ एच टू ओ इन ऑक्सीजन रिच साइड, उधर उधर ही जोड़ना है उतने ही नंबर। देखो कितने ज्यादा थे बताओ ऑक्सीजन, यहाँ पे तीन ज्यादा थे कि नहीं, उतने ही एच टू ऐड कर दो, एंड एड द डबल नंबर ऑफ ओ एच माइनस इन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड, अपोजिट साइड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। सर हर इक्वेशन के लिए मतलब गोल है, सबके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर ऑल इन बेसिक मीडियम। अब बताओ कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। तभी तो नहीं बताया था, क्योंकि ये थोड़ा अलग है ना, बार बार याद करना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, लेकिन आसान तो यही है। तो मैंने क्या सिखाया, दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि जो एसिडिक मीडियम का मेथड सिखाया था वही यूज करना है, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उसके दूसरी तरफ उतने एच टू ऐड कर लो, और फिर हाइड्रोजन बैलेंस के लिए इधर उसके दोगुने एच प्लस ऐड कर लो। लेकिन जब हमें पता चला कि रिएक्शन तो बेसिक मीडियम में है, तो दोनों तरफ मुझे 6OH- ऐड करने पड़े, 6OH- ऐड करे तो यहाँ 6 पानी बने, लेकिन मैंने देखा यहाँ 3 पानी माइनस हो सकते हैं, तो माइनस करके ये आया, दिस इज लास्ट पॉइंट। क्या ये पॉइंट नीचे वाली लाइन से डायरेक्ट नहीं आ सकता था क्या? देखो आ जाता ना, देखो कैसे इसका यूज करा देते हैं, यूज करा दो इसका। क्या हमारी ऑक्सीडेशन हाफ इतनी थी कि नहीं थी, बोलो यस थी। जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही क्या जोड़ देने हैं, बेसिक मीडियम में वाटर, उसके डबल ओएच माइनस दूसरी साइड में, डायरेक्ट बैलेंस की नहीं बैलेंस। तो कौन सा मेथड याद रखोगे गाइस, ऊपर वाला या नीचे वाला? देखो अभी थोड़ा मैंने खिचड़ी कर दिया है तुमको बता के, बट तुम तो इतने समझदार हो ना, दोनों में डिफरेंशिएट करके समझ सकते हो, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो आ रहा है दोनों में सेम आ रहा है। तो हम मेरे हिसाब से अगर याद रख पा रहे हो तो अल्टरनेट मेथड याद कर लो बेसिक मीडियम के लिए, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके ओके गाइस, देखो मिताली तुम्हें समझ में आया, आदित्य तुम्हें समझ में आया? हाँ सर, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सारे मेथड्स होते हैं और उनको समझना चाहिए, अपने हिसाब से यूज कर लेना। तो ये इक्वेशन बना देता हूं मैं वन, है ना, ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, यही नीचे लिखी, इसको बना दिया मैंने वन। आप लेते हैं रिडक्शन हाफ, कौन सी लेते हैं जल्दी बोलो। अच्छा ये बैलेंस कहाँ हुए अभी, इसमें तो अभी इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं गया ना चार्ज। हाँ बताओ इधर कितना चार्ज, नाउ बैलेंस चार्ज यूजिंग का क्या है, किससे बैलेंस करते चार्ज, बोलो इलेक्ट्रॉन। इधर कितना इलेक्ट्रॉन लगाना है कौन बताएगा, इधर कितना इलेक्ट्रॉन लगाना है कौन बताएगा, इधर इधर चार्ज देखो कितना है -7, इधर देखो कितना है -1, क्या करूं मैं, कौन बताएगा क्या करूं मैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किस तरफ लगाऊं, यहाँ पे लगाऊं ना, यस सर +6, वेरी गुड, कभी तो -7 दोनों तरफ होगा, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने लिख दिया था, कोई बात नहीं वहीं पे लिख दो, नहीं तो नीचे लिख सकते थे तुम लोग, दैट्स वेरी इजी फॉर यू एक्चुअली, है ना, उसमें क्या दिक्कत है, वहीं पे लिख लो तो अच्छा है, नहीं तो नीचे लिख लेते। इधर भी 7, इधर भी 7, -7 -7 दोनों तरफ, ये हमारी एक हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। नाउ दूसरी वाली को लाओ, दूसरी वाली कौन है, रिडक्शन हाफ, उसको उठाओ भाई, क्या थी वो, क्या वो MN वाली थी, यस MnO4 माइनस
गिव्स MnO2। कौन बताएगा? ऑक्सीजन बैलेंस करने से पहले क्या कुछ बैलेंस करना है? नहीं, Mn तो पहले से बैलेंस है, तो अब बचा क्या? ऑक्सीजन। अब बताओ ऑक्सीजन किस मीडियम में बैलेंस करना है, किस मीडियम में? तो क्या मैं डायरेक्ट अल्टरनेटिव मेथड लगा दूं? यस सर। इधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है, इधर ज्यादा है, इधर दो, इधर चार, इधर दो ज्यादा है कि नहीं? दो ज्यादा। yes. इधर जितने ज्यादा है उधर उतने ही H2O ऐड करो, उसके डबल OH- दूसरी तरफ ऐड करो। कौन कहता है कि ये तरीका याद है तुमको? सबको याद है? यस सर। क्या ये आसान है कि नहीं है? है सर। तो पहले वाला इग्नोर कर दिया जाए क्या? फर्स्ट वन। ओके ऐसा भी कर सकते हो, उसको भी यूज करके देख लेना साइड में, तो वो भी सही आएगा, कोई उसमें गलत बात नहीं है ना। उसमें क्या करना है, हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए एसिडिटी वाला रूल लगाना है, देन H+ हटाने के लिए OH- भी ऐड करना है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो याद कर पाओ तो बेसिक मीडियम वाला ज्यादा आसान है। इधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा, इधर दो, इधर चार थे तो इधर दो ज्यादा थे, इधर दो H2 ऐड करे, डबल OH- दूसरी तरफ ऐड कर लिए, हो गया काम। ओके गाइज, अब बताओ, अब तो हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस, इधर चार, इधर चार, ऑक्सीजन इधर छह, उधर भी छह, देख लो 2+4=6, चार्ज बैलेंस करें। नाउ बैलेंस द चार्ज, सबसे लास्ट में क्या बैलेंस करते हैं हम यहाँ पे? चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। बताओ इधर कितना चार्ज है, बताओ इधर कितना चार्ज है, बताओ -1। इधर कितना चार्ज है बताओ? -4। तो क्या करें हम? तीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं ऐसे, तो नीचे yes, कर, इसको ऐसे लिखा रहे, तो नीचे कर देता हूँ ये 3 इलेक्ट्रॉन। बाकी वो एक ही चीज है, उसको बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए सिर्फ लिख रहा हूँ ताकि रिवाइज करो ना तो पता चले स्टेप वाइज क्या था। For this only I am writing it, equation number 2. देख लो सब बैलेंस है कि नहीं, इधर -4 उधर -4, इधर 4 हाइड्रोजन उधर 4 हाइड्रोजन, इधर 1 Mn राइट साइड में भी 1 Mn, लेफ्ट साइड में 4 हाइड्रोजन राइट साइड में 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी 6 and 6 दोनों साइड में, that's you can see. ओके अब क्या करें, अब क्या करें बोलो? क्या दोनों को ऐड कर दूं 1 and 2 को ला के नीचे? सर पहले इलेक्ट्रॉन्स को। हाँ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बैलेंस करने हैं, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, कैसे कैंसिल होंगे गाइस? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करें, लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/2 और ऐड इक्वेशन नंबर 1। क्या ये सही है? तो इक्वेशन नंबर 1 लिखाओ उससे, क्या है वो देख के बताइए भाई, क्या है? 6OH- + Br- ऐसी कुछ है? BrO3- + 3H2। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन +6E-। ओके 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्वेश्चन 1 है। इसमें दूसरी वाली में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 2 से, तो आई इलेक्ट्रॉन 6, और यहाँ पे आ गए 2 2 = 4H2O, यहाँ पे आ गए 2MnO4-, इन्होंने दे दिया 2MnO2, इन्होंने दे दिया 8OH-। ये इक्वेशन फिर से 2 लिखो, कोई बात नहीं, सेम नाम लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? तो स्टेप वाइज चल लेना, हम तो नीचे जा रहे हैं। अच्छा अब बताओ कौन कौन कैंसिल होते, ये वाले दोनों। सब वैल्यूज को लिखने से पहले क्या मैं डायरेक्ट इधर कैंसिल कर दूं? ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बचेगा कि नहीं? या नहीं करना है तो भाई लिख लो भाई, और क्या बताऊं? अगर इतना कर दो सर, करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, सही बात है, कर भी देना चाहिए, क्या दिक्कत है? बट चलो अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हें इन रिएक्शंस को लिखते हुए, और एक बार एनसीईआरटी के पीछे की सारी रिएक्शन बैलेंस कर डालो जो आयन इलेक्ट्रॉन से है, तो काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर। बाकी जो मैंने असाइनमेंट भेजा है ना, उसको तो तुमने सबमिट नहीं किया अभी तक, तो इसके आगे का नहीं भेजा मैंने, इसलिए कब तक हो जाएगा सबमिट बताओ? टेस्ट कब है तुम्हारा?
चार्टर्ड एसेंडेंट ओके तो उसके बाद कर रहा हूं मंडे को कम से कम हाँ जी तो बताइए किसको किसको किधर ले जाऊं क्या ये चार पानी है ये तीन पानी है इधर आएगा तो कितना पानी बचेगा ये डायरेक्ट भी कर सकते थे देखो डायरेक्ट चार में से तीन गया एक ऐसे कर सकते थे Br माइनस प्लस टू MnO4 माइनस प्लस पानी गिव्स BrO3 माइनस प्लस टू MnO2 इधर तो पानी बचा ही नहीं क्योंकि पानी तो उधर ले गए ये छह OH माइनस जो है ये आठ से कम है इसको इधर लाओ माइनस करो कितने OH माइनस तो क्या रिएक्शन बैलेंस है अभी बैलेंस नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा बताओ तुम्हें अभी भी अगर बैलेंस नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा बैलेंस्ड है देख लो भाई इधर एक Br इधर दो Mn इधर नाइन ऑक्सीजन इधर माइनस थ्री चार्ज है ना और कुछ तो बचता नहीं है हाइड्रोजन बचते हैं भाई अरे वाह इधर दो हाइड्रोजन इधर एक Br दो Mn इधर थ्री फोर सेवन टू नाइन ऑक्सीजन इधर माइनस थ्री का चार्ज इधर दो हाइड्रोजन यस सर अगर इस टाइम पे हुआ नहीं बैलेंस तो फिर क्या कर सकते हैं नहीं अगर रेडॉक्स रिएक्शन तो बैलेंस हो जाएगी गाइस बस तुम्हें तुम्हें मेक श्योर करना है कि जो जो भी रिड्यूस या ऑक्सीडाइज एटम्स हो रहे हो उनके अलावा स्टार्टिंग में कोई दूसरा एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के नहीं होना चाहिए मतलब क्या है कि हमें ऐसे नहीं ले लेना है कि केबीआर को टांगे हुए चल रहे हैं ऐसे दैट्स नॉट फेयर ये तो है ही नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं इसको कैसे बैलेंस करो फिर के जोड़ना पड़ेगा फिर जोड़ोगे तो चार्ज बढ़ जाएगा दैट्स नॉट गुड हमें इसका चार्ज भी तोड़ देना है शुरू में अगर कोई किसी भी कंबाइंड फॉर्म में लिखा है तो उसमें जो स्पेक्टेटर आयंस हैं कौन से आयंस बोलो स्पेक्टेटर का मतलब क्या होता है दर्शक जो दूर से देखता है स्पेक्टेटर आयंस जो है जैसे Na+ जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता K+ है ना Ca+2 एटसेट्रा विच ऑक्सीडेशन इज नॉट चेंजिंग इन द रिएक्शन एक्सेप्ट किसका किसका एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विच ऑक्सीडेशन नंबर नॉट चेंजिंग इन द रेडॉक्स रिएक्शन इग्नोर देम स्टार्टिंग में ही इग्नोर उनको तो बैलेंस ही नहीं करना है ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो ऑटोमेटिक आ जाते हैं ना उनकी तो कोई बात ही नहीं है उनको तो बैलेंस करना सिखाया है इस पे संभाल दूं क्या थोड़ा अच्छा वाला चलो भाई देता हूँ यस ओके वेरी गुड वही बेसिक मीडियम में तुमने सीख लिया ओके सुनो एक आसान रिएक्शन दे रहा हूं टफ वाली इसके बाद में देता हूं एक बार मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग खुद से बैलेंस करके देखो ठीक है मैंने दिया Cr प्लस थ्री रिएक्शन करता है आयोडेट से बनाता है CrO4 माइनस टू क्रोमेट आयन और बनाता है आयोडाइड और ये मीडियम जो दिया है इन्होंने वो दे दिया था बेसिक मीडियम रिएक्शन किस मीडियम में होती है गाइस OH माइनस मुझे बताएं कृपया क्या आंसर आएगा इस आयन का नाम जो है
लिख देता हूँ, धीरे धीरे याद करते चलोगे। वैसे एक दिन मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ नाम कैसे याद रखते हैं, काफी आसान हो जाएगा। इसका नाम आयोडेट आयन है, इस वाले का नाम है क्रोमेट आयन, है ना, इसका नाम है सिर्फ क्रोमेट, डाइक्रोमेट पीछे पढ़ाया है। यस भाई, क्या आंसर था? आराम से करो, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये। देखो ये मेथड तुम्हें टफ लग रहा होगा, इससे आसान मेथड है हमारे पास, बट ये माना जाता है कि ये मेथड पे बच्चों को आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इज एक्चुअली एन इजी मेथड टू बैलेंस द रिएक्शंस, लेकिन मैं उसको बाद में सिखाऊंगा। सर डन। हाँ तो लिखो भाई, क्या आंसर आया बताओ। सर 10 OH माइनस प्लस 2 CR प्लस 3 प्लस IO3 माइनस, ओके, और फिर राइट साइड की इक्वेशन में है 2 CrO4 2 माइनस प्लस में 5H2O प्लस I माइनस। वेरी गुड। तो देखें, जो मैंने तरीका बताया है बिल्कुल वैसे ही करना है, क्या ही फर्क है, जैसे ऊपर वाला सवाल था वैसे ये सवाल है। वहां MN था, यहाँ CR है, वहां BR था, यहाँ आयोडीन है। दैट्स सिंपल। टाइम लग रहा था करने में। करो करो करो, नो प्रॉब्लम, करो जैसे रहता है बिल्कुल वैसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप जो है याद रखना कैसे करो।
मैं ट्राई करूं फिर। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे जाते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखे जाते हैं। यहां तक सबने, कितने लोगों ने सही किया था, हैंड रेज करो। ये ऑक्सीडेशन नंबर्स किसने गलत लिख दिए थे, ऐसा कोई है? कोई भी नहीं है ना, सबने सही लिखा है। वेरी गुड। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, पता चल गया। क्रोमियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बताओ Cr प्लस थ्री, अलग से सवाल पूछ रहा हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि ये खुद क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और आयोडेट को रिड्यूस कर रहा है। ये आयोडेट जो है ये प्लस फाइव से माइनस वन में गया, इसलिए इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन। इसलिए आयोडेट क्या बना, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रिडक्शन हो रहा है इसलिए ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। देखो सी आर प्लस थ्री को प्लस सिक्स में भेजा ना इसने, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली इनकी डेफिनेशंस हैं। नाउ अब लोग, हम लोग काम की बात करते हैं बैलेंसिंग वाली। तो हमने लिखना है सबसे पहले मान लो ऑक्सीडेशन हाफ। देखो जल्दी से अगर करना है तो कैसे करते हैं, इस बार सिखा देता हूँ। सी आर प्लस थ्री देता है सी आर ओ फोर टू माइनस। अब हम अगर यहीं पे बैलेंस करने लगे तो क्या गलत बात है, कोई गलत बात नहीं है। हमने देखना है कि सी आर दोनों तरफ कितने हैं, एक ही एक है, कोई बात नहीं। बेसिक मीडियम सवाल में दे रखा है, जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उधर उतने एच टू एड कर दिए मैंने, उसके डबल ओ एच माइनस दूसरी तरफ एड कर दिए। गाइस यहाँ तक कितने लोग को समझ में आया, ऐसे कितने लोग ने किया है? इस स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर। ओके नो प्रॉब्लम। अब मुझे ये बताओ चार्ज किधर कितना आया। अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं तो माइनस का एट प्लस का थ्री माइनस का फाइव बचेगा, यस और नो? यस। माइनस फाइव। इधर कितना बचेगा, माइनस का टू। एक तरफ माइनस फाइव है, एक तरफ माइनस टू है। माइनस फाइव कैसे आया, ये माइनस एट और यहाँ पे प्लस थ्री, ये दोनों मिला के कितना बना, माइनस फाइव। यहाँ माइनस टू तो था, इस पे तो जीरो चार्ज है तो माइनस टू। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करने चाहिए तभी तो माइनस का फाइव बनेगा। तो क्या मैं यहीं पे थ्री इलेक्ट्रॉन लिख दूं? यस सर। एक लाइन में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, क्या कोई गलत बात है इसमें? नहीं, एक लाइन में कर दो अगर आपको समझ में आता है अच्छे से। तो चार्ज भी बैलेंस हो गया हमारा, अब हम चल रहे हैं रिडक्शन हाफ। एक ही लाइन में अगर करना चाहें, क्या ईशान तुमने समझा ये एक ही लाइन में कैसे कर देंगे? हाँ सर, वही वो 4H2O का प्रॉब्लम हो रहा था ऑक्सीडेशन, समझ में नहीं आ रहा था कितना, अभी समझ गया हूँ, हाफ ले रहा हूँ। ओके ओके। हाँ तो हमें उतने ही ऑक्सीजन ऐड कर देने हैं, तो थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में डिले होगा, देरी होगी, बट समझ जाओगे। जिधर जितने ऑक्सीजन ज्यादा है उधर ही उतने H2 ऐड कर दिए और उसके डबल OH माइनस दूसरी साइड में ऐड कर दिए, तो हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है ना? और एसिडिक मीडियम से जो एक्स्ट्रा स्टेप वाला बताया था वो भी तरीका हमारे पास है, उसको भी बताना तो बताऊंगा अगर समझ नहीं आता है। बाकी अगर जो H2O एडिशन का मेथड और OH माइनस एडिशन का मेथड है, ये ज्यादा आसान पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। अब देखना IO3 माइनस I माइनस, किधर कितने ऑक्सीजन ज्यादा है, लेफ्ट साइड में H2O। हाँ, इसके डबल OH माइनस क्या मैं इधर ऐड करूंगा? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब बोलो किधर कितने चार्ज का डिफरेंस आ रहा, यहाँ पे चार्ज माइनस वन, यहाँ पे चार्ज माइनस सेवन, तो क्या करूं मैं, क्या मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा यहाँ पे, तभी तो माइनस सिक्स माइनस सेवन बनेगा, यहाँ तो माइनस सेवन पहले से है। कितने लोग को समझ में आया ये स्टेप? यस सर। आया क्या, इसको इक्वेशन नंबर टू बना दूं? ध्यान से देख के बताओ, anyone having doubts in these two equations then tell me। सर मतलब अभी पहले तो मतलब प्रोडक्ट साइड के यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा था, तो इस बार रिएक्टेंट के साइड पे है, तो फिर रिएक्टेंट के साइड पे सेम नंबर के वाटर मतलब ऐड करने का और उस प्रोडक्ट साइड में डबल करने का। हाँ
हाँ वेरी गुड, हमें क्या ध्यान रखना है, रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड, इससे मतलब नहीं है इस रूल में। इसमें क्या है, जिधर भी ज्यादा हो उधर उतने ही H2 ऐड करना, इफ बेसिक मीडियम है तो। ईशान समझे? जिधर ज्यादा हो चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक, उधर उतने ही ऐड करने, उसकी अपोजिट साइड में डबल ऐड करने हैं। जैसे यहाँ पे ऐड किए ना 3H2O, इसकी अपोजिट साइड में डबल ऐड किए, बताओ सही बात है कि नहीं, ऐसा किया कि नहीं किया? तो इसमें इससे मतलब नहीं होता कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट, हमें इसमें यह देखना है जिस तरफ भी ज्यादा हो ऑक्सीजन, अगर बेसिक मीडियम है तो उधर उतने ही H2 ऐड करें और इसके डबल OH माइनस दूसरी साइड में ऐड कर दें। गॉट इट? अब दोनों रिएक्शन को क्या मैं ऐड करूं तो क्या डायरेक्टली कट जाएगा? नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तब 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक बार मैं उसको लिख देता हूं कितना आएगा, देखो मैं लिखता हूं, आप लोग इसको एक बार ट्राई करें, लिख के बताओ मुझे कितना है। हाँ भाई बोलो क्या आंसर आया, कौन देगा आंसर? एक फाइनल ट्राई तो कर सकते हैं। अच्छा ओके, क्या 2 से मल्टीप्लाई किया था, कितना आएगा 16OH- + 2Cr+3। ध्यान से देखते जाना, ध्यान से। यस सर, ऐसा कुछ आया, फिर से इक्वेशन 1 ही लिख लो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने इसको लिखना ही है, उसको नया नंबर नहीं देने की जरूरत है हमारे समाज में। जब डेरिवेशन करते हैं ना फिजिक्स में तो अलग बात है, क्योंकि उसमें वापस से इक्वेशन यूज हो जाती है कभी कभी, यहाँ पे तो यूज नहीं होगी, हमारा जो मेथड है वो सब एक ही तरफ जा रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ है, वापस ऊपर नहीं जाना हमें। अब बोलो दोनों को अगर ऐड किया तो 6 इलेक्ट्रॉन कटेंगे कि नहीं कटेंगे? Yes. क्या बचेगा देखो, अब OH माइनस इस बार ट्राई करो कि यहीं से कैंसिल आउट हो जाए, क्या ट्राई करोगे ऐसा? तो ये 16 और 6 कितने बचेंगे इधर, 10 बचे, 3 पानी इधर 8, तो वो उधर जाएगा 3, तो माइनस हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे हम, ऊपर से क्रोमियम लिखा, लिखो कितना आया, एक आयोडीन है तो उसको भी लिख दिया। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, देख लेना कहीं भी छूटा ना हो तो, ये तुम लोग की जिम्मेदारी है। 3 इसमें से घटेगा तो 5 आएगा, देन ये 6 जो OH माइनस है तो गायब हो चुके हैं ना यहाँ से, वजह नहीं है, तो इधर और क्या आएगा, आई माइनस। बोलो अभी कोई दिक्कत इसको लिखने में, यस और नो, सोच के बताओ। नहीं सर, नहीं। समझ गए एवरीवन? मिताली तुम्हें समझ में आ रहा है ये? यस सर। ओके प्राची, क्या तुम लोग को मेथड समझ में आ रही है? अमार तुम्हें समझ में आया? 10OH आएगा ना? हाँ वो देखता हूँ भी, 10 ही है बच्चे ये, है ना? 10 हाँ, नहीं मतलब O और 0। आओ अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, जब मैंने एक बताई उसमें जो है ओवरलैप कर दी। यस यस प्रणव सही, प्राची समझ में आ गया? यस अमार तुम नहीं बोले, तुमने समझ में आया कि नहीं आया? यस सर आया। कर लोगे फिर अपने आप से, खुद से होना चाहिए ना सवाल, तो देखें भाई। शमिका तुम इसी क्लास में हो ना? यस समीक्षा, यस सर आया समझ में ना?
यस सर। गुड, अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि क्रोमियम किधर कितना है, तो इधर दो क्रोमियम है, इधर एक आयोडीन है, ये अपने आप से देख सकते हो, आंखों से दिख रहा है, लिखने की जरूरत क्या है, फिर भी लिख देता हूं मैं ना। इधर 10+3 13 ऑक्सीजन है, इधर चार्ज जो है वो 10 माइनस का और माइनस का 1, माइनस का 11, माइनस का 11 और प्लस का 6, कितना बचता है, माइनस का 5। ये चार्ज है और कौन सा आयन बचता है, कोई है, हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन्स। ओके, इधर देखना, दो क्रोमियम एक आयोडीन, 10 हाइड्रोजन्स नीचे लिख देता हूं, दिख गया मुझे पहले, 2 4 8 और 5, 13 ऑक्सीजन, 2 2 माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5 चार्ज। देख रहे हो सब बराबर है कि नहीं है, yes. रिएक्शन फिर बैलेंस बोली जाए कि नहीं बोली जाए, yes, रिएक्शन कैसी है, बैलेंस्ड। कहां से पता चलता है कि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, तो यहां से पता चल रहा है। ओके गाइस, यस, ओके, वेरी गुड। और कुछ हार्ड और क्या सकता है, एडवांस? हाँ, हार्ड तो आएगा, सही बात है, अभी हार्ड आएगा, धीरे धीरे करेंगे, उससे पहले डिस्प्रोपोर्शनेशन का ले सकते हैं, काफी हार्ड सवाल पूछे जा सकते हैं इस तरीके से, लेकिन एक्चुअली एडवांस में या मेंस में रिडक्शन बैलेंसिंग, जो रेडॉक्स रिएक्शन की जो बैलेंसिंग है, वो हम इस मेथड से करते ही नहीं है, हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करते हैं, वो इजीली हो जाता है, तो वो मेथड जब आएगा तो हम लोग हार्ड वाले सवाल करेंगे। बट बोर्ड्स में कभी कभी क्या है कि इस मेथड पे पूछ देता है कठिन सवाल, उसमें लिख देता है कि यू हैव टू बैलेंस थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ओके गाइस, सुनो भाई, सुनो, अभी करता हूं, एक मैं इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ऐड कर रहा हूं, रेडॉक्स रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें, ये सबसे बड़ा सवाल है हमारे सामने, कितने परसेंटेज पे है, ये बड़ा छोटा दिख रहा है, 38%। हाँ, एचडी मीडियम में रिएक्शन होती नहीं एक्चुअली ना गाइस, तो जब रिएक्शन कोई एचडी मीडियम में अच्छे से नहीं होती, तो हम इसको कैसे बैलेंस करें, ये जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में होती है, एचडी मीडियम में बैलेंस तो कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। प्रणव, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रणव बोलो, यस। हाँ देखो, अच्छा देखो, नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन की बैलेंसिंग, डिसप्रोपोर्शनेशन, क्या होता है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, कौन बताएगा, कुछ कम ज्यादा proportion में। अच्छा, रिएक्शन में सेम एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों। वेरी गुड, चलो मैं तुम्हारे सामने दो चीजें रखता हूँ, बताना कौन सी डिस्प्रोपोर्शनेशन है और कौन सी नहीं है, ध्यान से देखना, अभी अभी आंसर नहीं देना, ठीक है? बताओ विच रिएक्शन इज रेडॉक्स, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है, तो बोलोगे दोनों है सर, यहाँ पे -3 में है, यहाँ पे +3 में है,
क्योंकि NH4 प्लस और अमोनियम नाइट्रेट नाम है इसका। देखो ये दो अलग अलग नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए रिएक्शन कैसी है, इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है, इसको कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन किसमें जा रहे हैं, प्लस वन में, तो रेडॉक्स तो दोनों हैं, बट ये कम प्रोपोर्शनेशन बोली जा सकती है। और ये रिएक्शन कैसी है, ये कैसी रिएक्शन है, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आया यस यस तो ये कम प्रोपोर्शनेशन और इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स दोनों इसमें आ जाएगा, और ये वाली डिसप्रोपोर्शनेशन। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस कैसे करते हैं तो देखना ध्यान से, सब कुछ सेम है लेकिन बताओ कौन ऑक्सीडाइज और कौन रिड्यूस हो रहा है, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कौन है बताओ, क्लोरीन, विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड बताओ, क्लोरीन। आप बताओ फिर तो एक ही एलिमेंट बचा, तो करें तो करें कैसे, हाँ सो आया समझ में, वेरी गुड। तो अब बताओ क्या करें फिर हम, तो भाई जब हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन लिखनी है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से करना है, किससे भी बैलेंस करना है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, तो हम क्या करेंगे, हम Cl2 को ही दोनों बार ले लेंगे, Cl2 ही ऑक्सीडाइज, Cl2 ही रिड्यूस, तो क्या लिखेंगे, हाफ रिएक्शंस जब लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। तो देखो जीरो से प्लस फाइव गया तो क्या हुआ, बोलो भाई ऑक्सीडेशन, और यहां पे क्या हुआ, रिडक्शन। चलो ऑक्सीडेशन हाफ में क्या लिखोगे बताओ, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl, रिडक्शन हाफ में क्या लिखोगे, वापस Cl2। अब बैलेंस कर लोगे कि नहीं बताओ, आपको समझ में आता है ना, सेम ही है, अब ट्राई करो। yes. कर लोगे ना अभी, दोनों जगह लेना पड़ेगा उसको, मीडियम, अरे मीडियम तो देख लो भैया, कौन सा मीडियम है बताओ, विच मीडियम, विच मीडियम, कौन बोलेगा मीडियम बताओ, बोलो मिताली कौन सा मीडियम है, प्रणव ने बताया बेसिक मीडियम, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, अगर OH- माइनस पहले से दिया है तो फिर क्या है, बेसिक मीडियम। चलो जल्दी सॉल्व करो, तो
आई होप करके दिखाओगे ना। क्या क्लोरीन बैलेंस है? नहीं, पहले क्लोरीन बैलेंस करो, देन ऑक्सीजन बैलेंस करो, देन चार्ज बैलेंस करो, फिर रिएक्शंस को ऐड करो, फिर आंसर आएगा। सो लैपटॉप को बैटरी चला गया। तो गाइस देखो, ध्यान से देखो, अगर ये तरीका समझ में आया है ना, देन फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो टफ सवाल भी कर लोगे। टेंथ क्लास में तो बहुत टफ क्वेश्चंस भी करा देंगे एक दो, इसमें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगता है। हिट एंड ट्रायल का मतलब वो ऑब्जर्वेशन से करना पड़ता है, इसको भी सिखाएंगे। चलो भाई, सबसे पहले ये बताओ कि किसी ने अभी तक कंप्लीट बैलेंस कर लिया कि नहीं। सर लेकिन बता दो आप अभी क्या, थोड़ा मैं बता दूं? हाँ सर। सर आपकी आवाज अटक रही है। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मैं पूछ रहा हूँ कि मैं बताऊं कि अभी करोगे? सर एक बता दो, बाकी हम कर लेंगे। वेरी गुड। देखो, सबसे पहले बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले क्या करते थे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने बार बार लिखना है उसी चीज को, कोई बात नहीं। ऊपर लिखा ही था, एक बार में बैलेंस कर देंगे हम। यहाँ दो से मल्टीप्लाई किया क्लोरीन बैलेंस, छह ऑक्सीजन अगर हैं तो छह H2O में ऐड करूंगा, उसके डबल OH- में थोड़ी सी जगह लेके यहीं पे ऐड कर दूंगा। बोलो कितने लोग को समझ में आया यहाँ तक? आ गया। अगर दो है इधर एक तो ये तो गलत बात है, इधर दो सीएल तो इधर भी दो सीएल होने चाहिए, देन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। आपको लगता है कर लोगे ना? यहाँ सीएल टू यहाँ दो सीएल माइनस, ऐसे यहाँ सीएल टू यहाँ दो सीएल माइनस, ऐसे छह ऑक्सीजन तो छह H2O, इसके डबल OH- इधर। क्यों? क्योंकि ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन है। तो अब देखेंगे यहां 12 माइनस और यहां कितने माइनस? 2। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। अब हम लिखेंगे रिडक्शन हाफ। कहीं तो नहीं समझ में आ रहा तो पूछो मुझे, 10 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा था। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, ठीक है? पता चले एरो यहां लगा है। अब देखो भाई,
दो सी एल माइनस भी आ गया, माइनस छोड़ दी तो गलत हो जाएगा। अब क्या ऑक्सीजन है ही नहीं, है ही नहीं तो कितनी अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। इधर दो इलेक्ट्रॉन ऐड करो बैलेंस, यस और नो? यस सर। अब बोलो भैया इधर दो इलेक्ट्रॉन यहाँ दस इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइंसाफी है, इसको पांच से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड प्रणव, करेक्ट आंसर। तो पांच से मल्टीप्लाई किया ना, तो हम उसको नीचे लिखेंगे, बट उससे पहले हम इसको लिख देंगे करने क्या जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर रहे हैं, वन प्लस टू इंटू फाइव, ऐसा किया कि नहीं किया? देखो आसानी के साथ पढ़ना पड़ता है इस कॉन्सेप्ट को, जल्दी में तो ये समझ नहीं आता क्योंकि इसमें डिटेलिंग है, और डिटेलिंग जब कभी होती है तो थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में कोई डिटेलिंग नहीं है, दैट इज वेरी इजी मेथड। 6Cl2 हो जाएगा क्या, 12OH माइनस हो जाएंगे क्या, 2ClO3 माइनस हो जाएगा क्या, 10Cl माइनस हो जाएंगे क्या, 6 वाटर हो जाएंगे क्या, इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड सॉरी कर दूं? तो डिवाइड करने पे क्या ऐसे आता है, बोलो यस कि नो, क्या डिवाइड कर दें, कोई गलत बात थोड़ो ना डिवाइड करना, डिवाइड तो कर ही सकते हैं रिएक्शन में, अगर डिवाइड हो रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। यस प्रणव तुमने लिखा था 6Cl2, उसमें क्या गलत है, सही है। तो भैया अब मिलाओ दोनों तरफ मिलाओ, क्या कोई भी एक चीज मिला लो, वैसे बैलेंस है, कम से कम दो तीन चीज तो मिलाया करो, चार्ज जरूर देखा करो, इधर चार्ज कितना है माइनस छ, इधर भी चार्ज कितना है माइनस छ, ऑक्सीजन देख लिया करो मान लो जल्दी में, ऑक्सीजन छ, इधर भी ऑक्सीजन, बाकी तो फिर बैलेंस हो गई, मिनिमम दो देखो चार्ज और ऑक्सीजन, बाकी तुम देखोगे तो बैलेंस होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? यस ओके वेरी गुड। क्या इस रिएक्शन को जल्दी से बैलेंस करोगे अभी? थोड़ी सी ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको करने का तरीका सिखाता हूं तुम्हें मैं। क्या सोडियम स्पेक्टेटर आयन है या नहीं है, यस और नो? क्या सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यस और नो? नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए सोडियम को यहां से निकाल दो, सिर्फ OH माइनस रख लो। अगर Na2 है मतलब सल्फर पे दो माइनस होगा, अगर यहाँ Na2 है मतलब H2O3 पे दो माइनस होगा। कितने लोग को ये सब समझ में आता है? और मैंने बोला पानी जो है उसको भी नेग्लेक्ट करो, वो वापस आ जाएगा। ये मीडियम बेसिक है कि एसिडिक? बेसिक। इतनी रिएक्शन कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये तुम्हें करना पड़ता है। तो चार्ज कैसे है? चार्ज इसको छोड़ गया, चेंज नहीं हुआ इसलिए Na को पूरे निकाल दिया ना। हाँ वेरी गुड, एन ए स्पेक्टेटर बन जाएगा क्योंकि उसको लेके घूमोगे ना, उसको ऐसे लेके नहीं घूमना, उसको फाइनल रिएक्शन बैलेंस होने के बाद फिर से ऐड कर देंगे, समझ रहे हो कि नहीं? जहाँ ओ एच माइनस होगा वहां क्या लिख दूंगा, एन ए ओ एच, जहाँ सल्फाइड होगा वहां क्या लिख दूंगा, एन ए टू एस, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा देखना। तो मैं तुमको क्या बोलता हूँ कि सल्फर प्लस एन ए एच ये लिखी थी रिएक्शन, चार्ज कैसे आया देखो, सोडियम अकेला है तो ओ एच माइनस पे कितना चार्ज होगा, एक होगा कि नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ हाँ सर समझा समझा। ऐसे Na2S अगर है तो ये क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये माइनस टू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ऐसा? हाँ सर। ऐसे इस पे भी अगर Na2 लगे हैं देन H2O3 पे सल्फाइड जो होता है ये थायोसल्फेट आयन है, कौन सा आयन है पढ़ाया है मैंने, ये क्या ये तोड़ना जानते थे पहले क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से?
यस सर। ऐसे करते क्रिस क्रॉस जिनको नहीं आता है, ये सोडियम आयन हुआ तो ये पूरा ले लो। अब यहाँ पे वन लिखा है तो कैटायन पे प्लस और H2O3 पे माइनस टू, ऐसे तोड़ना जानना चाहिए। इधर मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लिकेशन है ना, जैसे ये सोडियम है ना तो इसका दो इधर और इसका वन इधर, कैटायन पे पॉजिटिव एनायन पे नेगेटिव। नाइन टेंथ में भी सिखाते हैं इसको है ना थोड़ा थोड़ा। बोलो बोलो बोलो, क्या ये तोड़ना पता चला सर? हाँ सर, पर वो लास्ट में जो H2O दिया हुआ है वो बैलेंस करने के बाद में जो रिएक्शन आएगी उसमें प्लस करना नहीं, 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 वो पड़ेगा या फिर उसको है, पानी है। नहीं नहीं, इसको इग्नोर करो, अगर ये रिएक्शन में होगा तो ऑटोमेटिक आएगा, विल कम ऑटोमेटिकली, विल कम ऑटोमेटिकली, है बात सही कि नहीं भाई? कर सकते हैं हाँ, इसको इग्नोर करना है, लिखाया है मैंने रूल में, लिखाया कि नहीं लिखाया बोलो, क्या इसको भी इग्नोर करोगे? यस, इसको भी क्या करना है अभी, इग्नोर, इसको भी इग्नोर करना है, ये तो सिर्फ बेसिक मीडियम बताने के लिए लिखा है। तो फाइनल रिएक्शन क्या आएगी बोलो, ये रिएक्शन किस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है, which type of redox, which type of redox, बोलो भाई। Disproportion. Disproportionation. Disproportionation. जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यहां देखो सॉल्व करना, एस टू तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू, टू एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस टू करके दिखा दूं क्या? कर लेंगे है ना, कर लेना, थोड़ा सा मेंटल मेंटल कैलकुलेशन भी किया करो है ना ऐसे। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन है, क्या इसको घर से बैलेंस करके लाओगे? यस सर। कौन सी रिएक्शन बैलेंस करनी है? दिस वन। जब वो बैलेंस हो जाए ना तो जहां जहां पे सल्फाइड है उसको Na2S से रिप्लेस करना, जहां जहां पे सल्फाइड, ये थायोसल्फेट है, जहां जहां पे थायोसल्फेट है उसको सोडियम थायोसल्फेट से करना है। इतना काम कर लोगे? बोलो यस और नो। यस सर। मिनिमम इतना तो कर ही सकते हो इसको बैलेंस, इसको नोट करें, इसको मैं चेक करूंगा नेक्स्ट क्लास में हमारे आंसर्स क्या है। जो OH- जो है उनमें भी Na डालना पड़ेगा? नहीं, जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। OH- भी तो था उसमें NaOH, मतलब जिस फॉर्म में रिएक्शन लिखी थी ना उसमें वापस लाना है, जो तुमने यहाँ पे किया था इसके साथ अत्याचार किया था ना तुमने, इसका सोडियम छीन लिया तो वापस दे देंगे, तो क्या करेंगे? वापस दे देंगे, क्योंकि कैटायन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए एनायन के साथ? Yes. और यहाँ पे कैटायन कौन सा है, कौन सा कैटायन है? सोडियम। OH- को NaOH में कन्वर्ट कर देंगे। यस, इसको मैं मिस किया था, ये भी कर देना। ओके एक रिएक्शन दे रहा हूँ, ये थोड़ी सी तो है टफ, इसको सबसे लास्ट में करना है ना, उसके पहले और दे देता हूँ। इसमें क्या है ना, जो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है ना उनको गायब कर सकते हो। देखो जैसे MnCl2 में Cl का गायब कर देना है, तो ये रिएक्शन कितनी बचेगी? इतनी बचेगी ना सिर्फ। Yes. इतनी बैलेंस करनी है,
क्योंकि के प्लस भी चेंज नहीं हो रहा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो चेंज नहीं हो रहे हैं उनको इग्नोर करते हैं, H2O को भी हटा देते हैं, H प्लस को भी हटा देंगे अभी, अभी तो एसिडिक मीडियम में है इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ से फिर दोनों हाफ रिएक्शन लिख के करना है, तो ये क्वेश्चन करना है। yes, एक जो है और तुम्हें देता हूँ, अभी रुको, एक ये देता हूँ क्वेश्चन जो है ऐसा कुछ है, H2S plus SO2 gives sulfur plus water, एक ये ट्राई करना तुम लोग, हाँ ट्राई करना बस। एक ये ट्राई करना, yes, sir, ऐसा कुछ दिया है क्या अभी तक क्लास में एसिडिक मीडियम में, इस मीडियम में एसिडिक, ये मीडियम अपने आप से एसिडिक है क्योंकि H2S कैसी गैस है, एसिडिक। एक लास्ट दे रहा हूं, एक लास्ट दे रहा हूं, ये इतना सामान करना है होमवर्क, ठीक है सर? आप पीडीएफ शेयर करोगे ना? और एक पीडीएफ भेजी है ना उसको किया है अभी तक क्या? उसमें भी तो सवाल है ये वाले, नहीं है बैलेंसिंग के रेडॉक्स वाली ना पीडीएफ? हाँ सर उसमें भी ऐसे सवाल है बैलेंसिंग के, बट ऑब्जेक्टिव टाइप का है, सब्जेक्टिव नहीं। नोट्स शेयर कर दूंगा। ओके देखो नोट्स जो है एक बार लिख लो, एक बार ये लिख लो जो सवाल दिया है सर। हाँ सर, चैट सेक्शन में बैलेंस इक्वेशन भेजिए, आप एक बार चेक कर लो। 4S वाली? यस सर। तो Na2SH समझ गया मैं। ओके तो यहाँ रिएक्शन तो मुझे लग रही है सही, ठीक है सही है, करेक्ट है। 6Na2Na2H2O3 आएगा प्रणव, 2Na2 आएगा। समझे? सर 2Na2 लिखा तो है, 2Na2 लिखा है मेरे में तो, Na2 दिख रहा है सिर्फ, 2Na2S लिखा है प्लस 2Na2H2O3 भी लिखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जो भी लिखा है जो भी है वो सही है, बाकी देखता हूँ अभी ऐसे रखो रिएक्शन, जो लिखी है वो बैलेंस है वो देख रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं करके दिखाऊंगा इसको, मुझे सही लग रही है। सल्फर एक तरफ तुम्हारे चार हैं और 6OH- थे, 6NOH कर दिया, उसमें H2O3- आएगा, Na2H2O3 कर दिया, 2Na2S सही है, 2Na2H2O3 नहीं होगा प्रणव तुम्हारा सही है, 2Na2S कर लेना ठीक है, बाकी सब सही है। चलो बाकी लोग इसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। गॉट इट? बंद करूँ? यस सर। चलो भाई बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में बाय सर। थोड़ा रिवाइज कर लो और मैं भेजता हूँ, NCERT के पीछे सवाल काफी ज्यादा है, NCERT से बैलेंसिंग करो।
एक्चुअल वाली सब्जेक्टिव जो मैं भूजूंगा असाइनमेंट, उसमें सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ठीक है सर। ओके।